किसको लाया? जो राम को लाए हैं उनको हम लाएंगे। राम को ये पहली बार आया है तब दुनिया के जब से बना तब से बहुत ट्रेंड रहे ये बात। नहीं कहने से क्या होता है, राम आ जाए, राम तो दुनिया जब से कायम आया ही नहीं, जो लाए हैं यानी मोदी जी लाए, उनके कहने से राम आ जाएंगे। उसके पहले से पूजा हम लोग राम का करते थे, कौन सी लाएंगे? ये मोदी जी कल दरभंगा आए थे, मोदी जी दरभंगा आकर के आप लोगों का हाल खबर लेने की बात कर रहे हैं, आपके हमदर्द बन रहे हैं, और आप कह रहे हैं मोदी जी को वोट नहीं करेंगे। नहीं करेंगे, काहे नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। किनको कीजिएगा वोट? फातमी जी को, लालू प्रसाद को। पूरा इरादा बनाए हुए, एकदम पूरा इरादा बना लिया है। दरभंगा में मोदी जी आए हुए थे, जिस दरभंगा में वो एम्स बनवाए हैं, आप लोगों को पता है एम्स बना है? हाँ, एम्स बन गया, उसमें जो चालू भी हो गया, इलाज चालू है। झूठ झूठ की खेती है बस। फिर से अशोक यादव को लाइएगा या फिर कोई और इरादा है? हमको लालू को लाना है। लालू को लाना है? लालू के पार्टी से फातमी साहब आ रहे हैं। हाँ, तो फातमी को देना है। फातमी के सिवा पक्का इरादा बना लिया? पक्का इरादा बना हुआ है हम लोग का, जो कर दिया तो कर दिया। जय हिंद दोस्तों, इस वक्त आप देख रहे हैं पक्की खबर, सच है तो खबर है। इस वक्त ग्राउंड रिपोर्ट पर तीन पक्की खबर निकल चुकी है। लोकसभा चुनाव भी, चुनाव को लेकर के चुनावी चर्चा लगातार चल रहा है। मौसम में तो काफी गर्माहट है, मौसम काफी गर्म है, लेकिन चुनावी बाजार इस वक्त काफी ठंडा पड़ा हुआ है। और सब चुनाव आप इससे पहले देखे तो कई दिनों पहले से ही, लगभग महीना पहले से लोग तेजी से चुनाव की चर्चा किया करते थे, लेकिन इस बार चुनाव में लोगों की चुप्पी कुछ ना कुछ बयां करती है। उस चुप्पी के पीछे क्या राज है, इस खामोशी के पीछे क्या राज है, ये जानने का प्रयास करेंगे। क्या लगता है इस बार फिर से अशोक यादव को लाइएगा या फिर कोई और इरादा है? हमको लालू को लाना है। लालू को लाना है? लालू के पार्टी से फातमी साहब आ रहे हैं। हाँ, तो फातमी को देना है। फातमी के सिवा पक्का इरादा बना लिया? पक्का इरादा बना हुआ है हम लोग का, जो कर दिया तो कर दिया। तो मोदी जी तो बहुत कुछ दिए हैं, बोलते हैं दाना देते हैं सबको, क्या है मोदी जी आपको दाना मिलता है? दाना दे रहा है वो, साढ़े 400 रुपया बिना पेंशन दे रहा है हम आप आज जी 4 किलो दाना एक महीना हम खाते हैं। ये मेरा टांग देखो कहिए। अच्छा चाचा, आप विकलांग दिखला रहे हैं। आप ये बताइए, मोदी जी कल दरभंगा आए थे, मोदी जी दरभंगा आकर के आप लोगों का हाल खबर लेने की बात कर रहे हैं, आपके हमदर्द बन रहे हैं, और आप कह रहे हैं मोदी जी को वोट नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, काहे नहीं कीजिएगा? नहीं करेंगे। किनको कीजिएगा वोट? फातमी जी को, लालू प्रसाद को। पूरा इरादा बनाए हुए, एकदम पूरा इरादा बना लिया है लालू यादव। तो अशोक यादव का तो हैट्रिक लगा, उसको मारो तेल देखे जा। अशोक यादव का तो, अशोक यादव का ये सपना था कि हैट्रिक लगाएंगे। नहीं लगाने दीजिएगा माइक, हमको माइक तो लगाने दो। कोई सवाल नहीं है कि अशोक यादव को हम लोग गाँव में भी घुसने नहीं देंगे, ऐसी बात होगी तो। इतने नाराज है? इतने नाराज क्या, कोई काम नहीं किए का? कौन काम कर दिया हम लोग? 10 साल संघर्ष रहे, लेकिन 400 वही वृद्धा पेंशन मिल रहा है। यही जाकर के देखिए, हैदराबाद में सब 2016 रुपया, 22 रुपया, 24 रुपया मिल रहा है, और यहाँ कितना? यहाँ 400 है, यहाँ कितना? 400। उससे क्या होगा? विकलांग को 400 जब मिल रहा है, हमको तो उसे, हमारे तो एक दिन का भी खर्चा नहीं है चाहता। तो कहीं ना कहीं जनता अपनी अपनी राय रख रही है, जनता अपने अपने बातें आपके सामने रख रही थी, इसलिए भी रख रहे हैं क्योंकि अब जनता जागरूक हो चुकी है। जनता को किसी तरह के ख्वाब दिखा करके आप चाहे कि उनका वोट ले लें तो ये नामुमकिन है, क्योंकि जनता जान चुकी है, जनता आपकी जुमलेबाजी को पहचान चुकी है। हमारे साथ और भी चाचा जी हैं, उनसे बात करके जानना चाहेंगे लोगों से कि क्या सच में इस बार बदलाव करना चाहते हैं आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बदलाव होगा ही, बदलाव कर दीजिए। क्यों? हुकुमदेव नारायण जी हैं, उनके बेटा जी, बेटा अशोक यादव है, जो आप लोग शकल भी नहीं देखे हैं उन लोगों का? शकल भी नहीं देखे? शकल भी नहीं देखे। 10 साल रहे आप लोग के क्षेत्र से? हाँ, फिर भी नहीं शकल देखा। तो इस बार इसीलिए शकल नहीं देखे, इलाके में नहीं आए, इसीलिए सोच लिए कि वोट उनको नहीं करना? हाँ, पक्का इरादा है, पक्का इरादा है। अच्छा, मोदी जी जो आकर के बोले हैं कि घर घर नौकरी की बात किया हूं मैं, युवाओं के लिए सोचा हूं मैं, तो हमको जुमलाबाजी लग रहा है? जुमलाबाजी है नहीं तो और क्या है? मोदी जी झूठ बोलते हैं और क्या? 15 लाख बोला था, 15 लाख किधर चला गया? 15 लाख 15 हजार के रुपया? 15 लाख नहीं है आप लोग को? किसको आया? आपको नहीं आया? अरे किसी को नहीं आया है, बोले हम भेज दिए सब। हाँ, 2 करोड़ युवा को नौकरी देने की बात करते हो? हाँ,
एक करोड़ भी नहीं आया। कल उसी दरभंगा में मोदी जी आए हुए थे जिस दरभंगा में वो एम्स बनवाए हैं, आप लोग को पता है एम्स बना है? हाँ, एम्स बन गया, उसमें जो चालू भी हो गया, इलाज चालू है। झूठ की खेती है, बस झूठ की खेती है मोदी जी के बारे में बोल रहे हैं। और भी लोग हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। कहीं ना कहीं मधुबनी लोकसभा क्षेत्र के मकिया में है और मधुबनी जिला के अंतर्गत भी पड़ता है। लोगों का राय अपना अपना, लोग अपने अपने जानकारी के अनुसार लोगों को बता रहे हैं। हमारे साथ एक और व्यक्ति है, क्या इरादा है? क्या इरादा? आप लोग मन बनाए हुए कि लालटेन साहब को वोट देंगे, फातमी जी को वोट देंगे और दिलवाएंगे जहां तक होगा। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा हरिलाल पासवान नाम है। पासवान जी, आप बोल रहे हैं, आपके भी समाज से लोग आ रहे हैं, नेता आ रहे हैं? कौन नेता रहा है? नहीं है, पता नहीं है। बिहार में? बिहार में है तो है, हम जो जहाँ है वहाँ है, वो अपना डफली बजाता है, हम अपना डफली बजाते हैं। वो तो कहते हैं कि हमारे समाज के लोग एक एक भी इधर से उधर नहीं होंगे। कौन हमने बिजवादी आदमी ठीका ले हुआ जो कहता है कि एक से कोई उधर से उधर नहीं होगा? वो अपना घर को संभाले पहले पासवान, तब दूसरे पासवान को कहेगा। कौन पासवान कहता है कि एक से इधर नहीं होगा? आपके सामने एक पासवान खड़ा हुआ है, आज पंचायत के प्रतिनिधि भी करते हैं। अच्छा, प्रतिनिधि भी है? 2016 आप एक प्रतिनिधि है, प्रतिनिधित्व करते हैं क्षेत्र का, तो इस बार क्या ये पासवान समाज का वोट एनडीए को नहीं जाएगा? नहीं जाएगा, इंडिया को जाएगा। हिंदी को? हाँ जाएगा, हिंदी को। इंडिया जाएगा, इंडिया कुछ करिए नहीं रहा आप लोगों के लिए। आप क्या कहा जाएगा उसके पास? वो करते हैं ना, वो तो दिल्ली जाते रहते हैं बार बार। कौन? सांसद जी जो थे आपके, या दिल्ली जाएंगे हवाई जहाज से घर आगे कि मैं क्षेत्र में आता हूँ? तो भी वो तो उनको भी उपलब्धि समझ रहे हैं बार बार हवाई जहाज में बैठने। ये उनका अपना पर्सनल सोच है, जनता का ये सोच नहीं है ना। जनता के लिए कुछ नहीं किया, जनता का ये सोच है कि दिल्ली जाते हुए भी गिनती हो रहा कि हम आए और गए। अच्छा, क्षेत्र में आएंगे उसका ना गिनती होगा? तो फातमी साहब से क्या उम्मीद है? फातमी साहब का अच्छा लोग है, अच्छे से अच्छे आदमी है, इसलिए चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वो राजद से आए हैं, कांग्रेस अलायंस से आए हैं, इसलिए चाहते हैं। और कोई बात नहीं, वो आदमी अच्छे हो चाहे नहीं, उससे कोई बुरा नहीं। अच्छा, आप कहते हैं वो राजद से आए हैं, इससे बड़ी बात आप कुछ नहीं हो सकती है। और लोगों का ये कहना है कि जो राम को लाए हैं उनको हम लाएंगे। किसको लाए हैं? जो राम को लाए हैं उनको हम लाएंगे। राम को पहली बार आया है, जब दुनिया इतिहास जब से बना तब से बहुत ट्रेंड में है ये बात। नहीं, कहने से क्या होता है, राम आ जाए। राम तो दुनिया जब से कायम आया ही नहीं, जो लाए हैं यानी मोदी जी लाए, उनके कहने से राम आ जाएंगे। उसके पहले से पूजा हम लोग राम का करते थे, कौन चिल्लाएंगे? तो उन लोग को जानकारी नहीं था? हमको जानकारी है, मन का भरम है कि मोदी जी लाए। हम तो गए थे अयोध्या, कहां अभी 10% काम हुआ, ऐसे पड़ा हुआ है। नाम के लिए गए थे, नाम के लिए काम जाकर देख चुके हो? हाँ, वहाँ गए थे, देख लेते हैं। राम उन्हीं का है, हमारा नाम नहीं है, सबके लिए है, तब इसलिए हम भी गए थे। तो इस बार मधुबनी विधानसभा की जनता क्या चाहती है? जनता बदलाव चाहती है, एक लाइन में पूरा 100% पक्का ना? पक्का। देखिए सब देख रहे हैं आप, रिकॉर्ड बोल रहे हैं आप, ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं। तो ऑन रिकॉर्ड कोई चोरी करके थोड़े बोल रहे हैं, ऑन रिकॉर्डिंग हम ही बात कर रहे हैं, हमको पता है ऑन रिकॉर्ड हो रहा है, ऑन रिकॉर्ड हो रहा है ये भी। फिर भी कोई दिक्कत नहीं है? क्या दिक्कत है, हम लोग भी पढ़े लिखे आदमी है, छोटा मोटा बीए पास किए हुए, छोटा मोटा। अच्छा, छोटा मोटा बीए जो अपने जमाने के बीए पास किए हुए, 1985 में पास किए, सेल्फेड नहीं है, जान नहीं तो ऑन रिकॉर्ड हो रहा है। हम लोग सीना ठोक के बोलते हैं कि बदलाव होगा और करना कोशिश करेंगे, नसीब उनका है। क्या लग रहा है? बस जो जनता का मूड है सामने, जनता तो कह रही है कि इस बार लालू यादव जिसके पार्टी से जो आए हैं फातमी साहब, उनको सपोर्ट करेंगे। लालू यादव नहीं, इंडिया गठबंधन को सपोर्ट कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन को? बिल्कुल। तो इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट को आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो सिर्फ मुस्लिम के वोट से या फिर यादव जी के वोट से तो नहीं हो जाएगा? नहीं, यहाँ बाकी लोग भी तो सपोर्ट करने चाहिए। हर समुदाय के लोग जो भी हैं, हर जाति के लोग उनके साथ हैं। और यकीन इंशाल्लाह अल्लाह ताला से उम्मीद है कि इस मरतबा इंडिया गठबंधन से जो फातमी साहब आए हैं इंशाल्लाह जीतेंगे। आप लोग को ये यकीन है? आप लोग पूरे यकीन के साथ बोल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस वक्त आप वीडियो देख पा रहे थे, लाइव रिकॉर्डेड वीडियो और लाइव वीडियो के माध्यम से टीम पक्की खबर के स्पेशल रिपोर्ट ग्राउंड जीरो से चुनावी चर्चा लेकर के, लोकसभा चुनाव को लेकर के मधुबनी लोकसभा क्षेत्र के मकिया से मैं आपको रिपोर्ट दिखा पा रहा था। इसी तरह से और भी जो भी वीडियोस ग्राउंड रिपोर्ट से आ रहा है चुनावी चर्चा को लेकर के, लगातार बने रहे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सच जानने का प्रयास करें कि जुमलेबाजी जो माइक से बड़े बड़े पंडाल से बड़े बड़े मंचों से करते हैं, क्या उनके जुमलेबाजी में, उनके कैमरे में कैद करके जो कुछ खरीदे हुए कैमरे हैं
उनमें कैद की हुई बातें और जो हकीकत में कैद किए जा रहे हैं, हम लोगों के कैमरे में कैद की हुई बातों में कितना जमीन और आसमान का अंतर है, क्या ये सही है या फिर उनके कैमरे में कैद किया हुआ भीड़, उनके कैमरे में कैद की हुई बातें सही है, ये निर्णय आपको करना है। क्योंकि जनता पूरी तरह से जागरूक हो रही है, लोग पूरी तरह से स्वतंत्र है, आजाद है अपनी बात अपनी राय रखने के लिए। और कुछ कह रहे हैं, सीधी सी बात है, आप जमीन के भी ऐसे पत्रकार हैं, जमीन पर आप खड़े हुए हैं, हवा हवाई भी नहीं है, इसलिए आप पर बिलीव करेगा लोग, और करता है जी। और हवा हवाई जो पत्रकार है जो आगे आगे उसको क्या भरोसा है, उधर पैसा लेकर कुछ भी कर सकता है। अच्छा उधर पैसा लेकर बहुत सारा मीडिया तक खरीदा हुआ है बीजेपी का, वो तो मन मर्जी अपना मर्जी से छापा, आपका भी मानना है मीडिया खरीदा माना हुआ है, मान लो ये मीडिया नहीं खरीदा है तो ओबीसी के बारे में कहा नहीं छपता है कुछ हो गलत बात, और ओबीसी का आप चर्चा कर दिया, इस लोकसभा से भी कैंडिडेट आ रहे हैं, कैंडिडेट रहेगा और क्या होगा, तीसरा वोट नहीं मिलेगा, कौन देगा वोट, वो तो कहते हैं जितने मुस्लिम है हमको वोट करेंगे, अरे मुस्लिम पागल है उसके जैसे जो खड़ा हो गया तो पागल है, मुस्लिम पागल है जो उसको वोट देगा, नाम भी पार्टी का मजबूत रखा है उन्होंने, मीम नाम रखा, मीम रखने से मुसलमान उसके तरफ हो जाएगा, वही इरादा होगा ना उनका, कोई इरादा उसका सोच है, अच्छा ये उनका सोच, उनका थिंकिंग है ये कि मीम नाम रख देंगे, मोहम्मद नाम रख देंगे, चाहे पैगंबर साहब नाम रख देंगे तो मुसलमानों बुलाइज हमारे तरफ हो जाएगा। देखिए गलत सोच, बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, अभी उनके एक सिंह जी कैंडिडेट आए हैं जो टोपी भी लगा के गए थे और टीका भी लगा के गए थे, तो धोखाधड़ी करता है ना, कि टीका भी लगेगा दाढ़ी भी लगता है, मुसलमान को दिखाया कि हम मुसलमान है, 111 कर लिया कि हम हिंदू है, ये धोखा ना हुआ, आप है जुनून, आप पत्रकार हैं तो पत्रकार जैसे बात कीजिए, आप पत्रकार हैं, आपको कहे मंत्री है डीएम है तो उस संदर्भ थोड़ा नहीं चले, धोखा न हुआ बिल्कुल, तो आप दाढ़ी रख लीजिए कि हम हिंदू होकर कह रहे हैं, दाढ़ी रख लीजिए, टोपी पहन लिए कि हम नमाज हुए मुसलमान है, अरे हिंदू के मोहल्ला में गया तो 111 कर लिए चंदन कि हम हिंदू है, ऐसा भी होता है, ऐसा है दस मीन मीन नाम रखे, यही उसका उदाहरण है। अच्छा अच्छा यही उदाहरण है। अच्छा एक सवाल आखिरी में आपसे करना चाहेंगे, कोरोना वैक्सीन को लेकर के आपका क्या राय है? कोरोना वैक्सीन तो कोरोना दिया के आदमी तो जान मारा है, दूसरा लेट करे तो नहीं देता वो अच्छा था, वो बहुत सारा आदमी मेडिकल रहा है उसे मरा जो कोरोना लिए हुआ। लेकिन मोदी जी तो भाषण में कहते हैं कि देश के 100 करोड़ लोगों को हमने कोरोना से लड़ने के लिए जो वैक्सीन दिलवाया है, कौन सा व्यक्ति वही वैक्सीन लेके अभी मर रहा है, जानलेवा हो रहा है, अभी जानलेवा हो रहा है कंपनी से 100 करोड़ चंदा लिए। अभी कोरोना जान में जो लिए हुआ है हम लोगों को खतरा है, हार्ट अटैक हो रहा है, ब्रेन हेमरेज हो रहा है, हम लोग अपने परेशान है कि साला कोरोना लिए हुए कहीं मर ना जाए, लिए हुए दिक्कत ना, लिए हुए दिक्कत। अच्छा मृत्यु की जो संख्या है वो उसके बाद बढ़ने लगी है, हार्ट अटैक का मामला नहीं जा रहा है। अक्सर ज्यादातर सोशल मीडिया पे आप देखिए बड़ी अच्छा है, हेल्थ अच्छा है, सब कुछ सही है, और डांस करते हुए पार्टी में अध्यक्ष कर जा रहे हैं, वहाँ चलते चलते जिम करते हुए अभी आपको लोग वहाँ एक दिखा दिया, वहाँ नहीं जाना चाहते, यहाँ मीडिया है, पेपर आ रहा है, हम आपको सबूत देते हैं इस दुकान के यहाँ बैठे हुए। अच्छा जहाँ हम बैठे हुए जी, क्या ये लड़का है, ये लड़का जो इसके पिताजी था, चाय बनाते बनाते गिर गया मर गया, ये लड़का यहाँ का हार्ट अटैक से, हेल्दी थे स्वस्थ थे एकदम, ये बच्चा है उनका, ऐसे अंदाजा लगा दिया उसका एज कितना होगा, अनुमान लगाइए आप, ये लड़का है उसका, यहाँ खुद एक उदाहरण है, ये उसका लड़का बेचारा बेसहारा हो गया है जी बिल्कुल, अभी वो इमोशनल हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं उदाहरण सामने है, और मोदी जी जिस तरह बात की आप गारंटी करते हैं, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, आप कहते हैं और 100 करोड़ लोगों को कोरोना से लड़ने की बात करके आपने वैक्सीन दिया था, अब वो वैक्सीनेशन का रिएक्शन होना शुरू हो चुका है, वो कहीं ना कहीं अब उल्टा काम करना शुरू हो चुका है, और जो खुद कोविशील्ड कंपनी जो है वो खुद कोर्ट में एक्सेप्ट की है कि हाँ इसके साइड इफेक्ट इस तरह से हैं, इससे बदन के अंदर बॉडी के अंदर जो है खून जमना और ब्रेन हेमरेज और हार्ट अटैक जैसी समस्याएं आएंगी, और वो होना शुरू हो गया है, तो इसका जवाब मांगा जब गया तो वो सर्टिफिकेट से फोटो मोदी जी हटा दिए अपना, हाँ देख रहे हैं कि कोरोना वाले सर्टिफिकेट से अब फोटो हटा दिया, सवाल हमारे जैसे किसी मीडिया ने उनसे किया तो उनका जवाब था कि चुनाव है उसको लेकर के आचार संहिता का उल्लंघन हो जाए, ये बात नहीं है, आचार संहिता का तो बहुत सारा उल्लंघन नियम है, उतना पालन तो हो नहीं रहा, अभी इस बात को जानते हैं जी, जानते हैं कि वैक्सीन वाले सर्टिफिकेट से फोटो हटाने का क्या मकसद, यही है कि भाई उसका वैक्सीन हो रहा है तो बदनामी उनका बदनामी होगा, फैलेगा बात, इसलिए हटा लिए अपना, फर गया तो है, दिमाग तो लगाते हैं, दिमाग कहा नहीं लगा के, नहीं तो गुजरात से 15 साल प्रधानमंत्री यहाँ आके रहते, घर वाली को छोड़ के, घर वाले को छोड़ के बात करते हैं, संभालेगा वो घर वाले को नहीं, मोदी संभाल पाया अभी तक, तब यशोदा बेन अभी भी ऐसे पड़ी हुई है, तो देश संभाल ले चले हैं। और दूसरी बात एक और बताते हैं, सच्चाई जो है जी। लोग जो अफवाह फैला रहे हैं कि आप हसनी साहब के साथ सिर्फ मुसलमान है, ये कतई 100% कोरा कागज के साथ गलत है,
ऐसा मोदी जी भी कह रहे हैं कि उनके जी हम मोदी जी के पास नहीं जाएंगे, हम क्षेत्रीय बात करते हैं अपना, मधुबनी लोकसभा क्षेत्र की बात कर रहे हैं। ऐसा जो अफवाह फैलाई जा रही है एकदम जैसे कागज सही होता है ना कोरा कागज, उस तरह का झूठा एकदम बात है। हर कम्युनिटी के लोग फातिमा साहब के साथ है, चाहे वह परसेंटेज जैसे जैसा भी हो, लेकिन हम कम्युनिटी के लोग हैं उनके। अच्छा, आपको क्या लगता है महंगाई को लेकर के देश में जो मुद्दे हैं वो नहीं उठाए जा रहे हैं? महंगाई अब भी लोगों को एक्सेप्ट है, लोग अभी भी उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ ठीक है सब कुछ है, तो इस बात को लेकर के क्या लगता है? यहाँ की जनता उनके डिफिनेशन पर नहीं जाएगा, उनकी परिभाषा जो करते हैं उस पर नहीं जाएगा महंगाई उगाए पर। एक बढ़िया कैंडिडेट हो, साफ सुथरा छवि का हो, ईमानदार आदमी हो, जनता से घुले मिले हो, जनता के बीच में आए, दुख विपत्त में आए, उसे रूबरू हो, उस लोगों से कहीं ना कहीं जुड़े रहना, जुड़े रहना चाहिए, जमीन से जुड़े, उस आदमी को चाहता है। भारत का विकास होता है, महंगाई होता है, उससे क्या लेना है क्षेत्र को? कुछ नहीं होगा, जहाँ कुछ होगा यहाँ भी होगा। अच्छा, बहुत कुछ देश का खत्म हो रहा है, बेचा जा रहा है, लोग भाग रहे हैं करोड़ों रुपए लेकर, फिर भी यहाँ की जनता उसको नहीं जा रहा है। यहाँ की जनता तोड़ो बोरो कमाओ और खाओ, विकास हो रहा है, कौन सा फैक्ट्री बेच दिया, कौन कंपनी, कहाँ तक इस गड्ढा में गहरा में जाएगा आदमी? क्या नाम बताया था आपने अपना? हरिलाल पासवान। हरिलाल पासवान जी थे। तो कहीं ना कहीं महंगाई का चर्चा हुआ, सारे चर्चा आपके सामने हो गए, तो अब बात यहाँ पर एक शायर का शेर याद आ रहा है, असद बस्तवी करके एक शायर है, कभी उन्होंने कहा था, एक मिनट, नहीं नहीं, उन्होंने कहा था कभी कि वो चंदन को अगरबत्ती समझकर बेच डालेगा, वो चंदन को अगरबत्ती समझकर बेच डालेगा, वो कागज को रत्ती समझकर बेच डालेगा, हुकूमत हमने दे दी है एक चाय वाले को, वो हम सबको चाय की पत्ती समझकर बेच डालेंगे। तो ये एक लाइन कहीं ना कहीं यहाँ के माहौल से, यहाँ के लोगों की बातों से ये लाइन बिल्कुल सटीक वहीं बैठ रहा है। जब कोई शायर शायरी करता है तो उसको बहुत कुछ दूर अंदेशी नजर आता है, दूर दराज का सोच करके वो लाइन अपना तैयार करता है, और इन लाइनों में ये मोदी सरकार की बातें, मोदी सरकार का हुलिया, मोदी सरकार के जो अभी के कंडीशन है वो कहीं ना कहीं पुरोया है, और ये हकीकत यहाँ पर दिखाया जा रहा है। मंदिर से मंदिर भी होता है, मंदिर भी है, मस्जिद भी, वो अलग चीज है, लेकिन जाती एतवार से जहाँ नीम से मुस्लिम है वहाँ से नीम से मुनाफिक भी है, मुनाफकत भी है, सब कुछ है। कहीं आप उन्हीं को तो निशाना नहीं बना? नहीं, ये मुनाफकत नहीं तो क्या है, देखिए वो अपने क्षेत्र में जहाँ से वो दो से चार पांच सीट भी जीत सकते हैं वहां से अकेले तन्हा खड़े होते हैं और पूरे देश में वोट बर्बाद करने के लिए किसी को घुसाते देते हैं। ये मुनाफकत नहीं तो क्या और क्या कहिएगा? वो कहते हैं कब तक करेंगे दूसरे को सपोर्ट, अपनी पार्टी अपना वोट, अपनी पार्टी अपना वोट कहते हैं ना, सिर्फ मुसलमान के वोट देने से या हमें वोट देने से क्या वो उनकी पार्टी बन जाएगी? वो हमारा देश है, जब देसी किसी एक का नहीं है, देश में ही लोकतंत्र है, तो किसी एक से किसी को क्या, एक पर्सनल को क्या फायदा होना? वही तो कह रहे हैं, वही तो कह रहे हैं कि हमारे देश के अंदर ये, हमारा देश ये नहीं चाहता है कि एक ही तरह का फूल हो, हमारा देश ये चाहता है कि इस बाग के अंदर तरह तरह के फूल खिले, और तरह तरह के फूल जब खिलेंगे और उसकी खुशबू जब अलग अलग बिखरेगी तब हमारा देश खुशबूदार होगा, ना कि सिर्फ मुस्लिम या हिंदू या ईसाई या सिख करने से नहीं होगा। और ये चाहे वो बीजेपी हो, बीजेपी हिंदू चिल्लाती है तो वैसी साहब मुस्लिम चिल्लाते हैं, दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क बताइए, ये मुस्लिम करते हैं, वो हिंदू करते हैं, मालूम हुआ कि दोनों देश को बांटने के चक्कर में पड़े हुए हैं। असल खेल वही पे चल रहा है। चलिए लेता हूँ आप सबसे विदा, बहुत लंबा वीडियो हो गया, फिर किसी अगले वीडियो में मिलेंगे आपके साथ। लगातार टीम तक की खबर स्पेशलिस्ट है ग्राउंड जीरो के लिए, तो ग्राउंड जीरो से मिलेंगे और जमीनी हकीकत दिखाने का प्रयास करेंगे, वो हकीकत जिस हकीकत को ज्यादातर गोदी मीडिया के लोग दबाना चाहते हैं, जिस हकीकत को ज्यादातर वैसे लोग नहीं उजागर करना चाहते हैं जिनसे उनके दामन के धागे खुल जाए, उनके राज खुलने लगे, तो उस हकीकत को दिखाने का हम लोग छोटा छोटा प्रयास करते हैं। आपका सपोर्ट चाहिए, शेयर करें वीडियो को और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि जमीनी हकीकत से लोग वावस्ता हो सके। जय हिंद।